रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम, जर मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीम। नाज़रीन बी फॉर यू, क्योंकि तकरीबन जो सिनेरियो बन रहा है, सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी नैब के सामने पेश हो रहे हैं लेकिन उनके सवालात के जवाबात नहीं दे पा रहे। नया ड्रामा जो खेला गया आपके सामने है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है जैस कैश ईजी पैसा करें या अपने लीडर्स को दें। प्रोग्राम में आगे चल के बताऊँगा कि किस किस लीडर्स ने जो दीगर नैब के ऑफिस हैं मुख्तलिफ अजला में वहाँ पर दरख्वास्तें दी हैं, वो बमा सबूत आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा कि उनके मोटिवेशनल स्पीकर हैं राजा रियाज, उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उसके अख्ताम में, वो अख्ताम ज़रूर सुनिएगा, उसमें उन्होंने कहा कि अख्ताम एक शेर से किया कि कौन कहता है मैं मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊँगा। अकल वालों के लिए निशानियाँ इस शेर में, अगर आप समझदार हैं, अगर आप लालच को छोड़कर सिर्फ इस शेर के ऊपर गौर करें तो नपे तुलमिले अल्फाज में राजा रियाज ने बहुत कुछ कह दिया है। मेरे ख्याल से कुछ लोग पता नहीं उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊँगा, मैं पहले कह रहा हूँ कि सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी प्ली बारगेन करेगा, मेरी बात नोट कर लें, आज की तारीख नोट कर लें, सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी लाजमी प्ली बारगेन करेगा क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता। और जो पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं कि एक्टिवेशन चार्जेस, वो सिर्फ इस वजह से मांगे जा रहे हैं ताकि आप पैसे दें, वो प्ली बारगेन करें। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया जी उसकी इतनी जायदाद है, एक बात जहन में रखिएगा, जो पैसा फ्रीज़ हुआ है अब प्ली बारगेन का तरीका क्या होता है, ये भी ज़रा आपने मैं देखने वालों को बता दूं कि प्ली बारगेन का तरीका क्या है। प्ली बारगेन का तरीका ये है कि जितना आपके ऊपर एलिगेशन है, यानी तमाम दरख्वास्तें जो कुछ भी आएगा, वो जो रकम बनेगी उसकी रकम का तीन हिस्से किए जाते हैं 35-35%। यानी कि पहली अगर रकम, लेट्स सपोज जहाँ सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी ने दावा किया 400 अरब रुपया, एलिगेशन 116, अभी तक 116 अरब रुपया, अब 116 अरब के तीन हिस्से बनेंगे, तो पहली जो किस्त है सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी को वो 35% देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर तारीख होगी, उसमें चेक्स देने पड़ेंगे और बाउंड किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी का नाम ECL में है, बाहर तो वो भाग नहीं सकता। और ये प्ली बारगेन का तरीका, आप पैसे इसलिए मांगे गए हैं ताकि किसी तरीके से नैब में प्ली बारगेन की दरख्वास्त दी जाए और गिरफ्तारी से बचा जाए और लोगों को बताया जाए कि भाई मैं तो बच गया हूँ, मैं ठीक था। टोटली टोपी ड्रामा है। इसके अलावा कहा गया जी सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी नैब में पेश होता है, बिल्कुल सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी पेश हुआ, मंडे को भी पेश हुआ, यानी कि उससे सवालात किए गए लेकिन किसी सवाल का जवाब सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी ने नहीं दिया। अच्छा, अब मैं ये भी आपको बताऊं कि सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी नैब के सामने पेश क्यों हो रहा है। हाई कोर्ट में आपने देखा ना कि मार्च से ज़मानत चलती रही और पिछले माह आई थिंक ज़मानत खारिज हुई, तो उस दौरान सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी ने नैब की तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने की जसारत ना की। जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होया और वादिया डायरेक्शन दी गई कि आप अगर नैब के सामने पेश ना हुए तो तफ्तीशी टीम हमें आगाह करे। नाज़रीन आपको मालूम होगा कि माजी में एक कंपनी थी CYT, जिसको अबू बकर नामी शख्स चलाता था, वो स्कैम कर गई, उसका एक लीडर था, एक इन्वेस्टर नहीं, लीडर और को फाउंडर, जिसका नाम था असफंद यासिर। असफंद यासिर ने अब एक नया फ्रॉड शुरू किया है, ECW के नाम से बैरिया टाउन फेस 7 में एक ऑफिस बनाया हुआ है और वहाँ पे लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर रकम इकट्ठी की जा रही है और बताया जा रहा है जी हमारा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन वो असफंद यासिर जो जनूबी पंजाब से उसका ताल्लुक़ है, मैंने आपको पहले बताया था कि वो ईजी पैसा की उसकी शॉप थी, और अब असफंद यासिर ने आज भी ECW वालों के लिए लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट ली है। लेकिन असफंद यासिर को जब मैंने मौक़फ़ के लिए रब्ता किया, क्योंकि ज़ाहरी बात है अब जो कंपनी के मालिक हैं वो तो मौक़फ़ देते नहीं हैं, जैसे एम शॉपिंग वर्ल्ड वाले को मैंने मैसेज किया, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने कॉलें की, उसने कॉल अटेंड नहीं की, उसने मौक़फ़ नहीं दिया। लेकिन उसकी जो एक को फाउंडर थी वो खातून उज़्मा, उसने जो मौक़फ़ दिया वो मैंने वॉइस नोट आपको सुना दिया था। अब जो असफंद यासिर है ECW में बैठ के ये लोगों से स्कैम कर रहा है, माजी में ये स्कैम जैसा CYT का मैंने आपको बताया, अबू बकर के साथ ये उसका मोटिवेशनल स्पीकर था, अबू बकर भागा तो ये भी गायब हो गया, अब इसने ECW के नाम से एक नई कंपनी ज्वाइन की है, उसका
मालिक बिलाल है, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठाता। तो मैंने जब इससे मौक़फ़ लेने की कोशिश की, मैंने कहा जी आप को फाउंडर हैं। कहता जी मैं को फाउंडर नहीं, मैं नेटवर्कर हूँ। मैंने कहा नेटवर्कर हो तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को इसी तरह वर्गलाते हो, उनको फंसाते हो कि आप ये कंपनी लॉन्च की है, इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको ये मिलेगा, या कल कल ये कंपनी भाग जाएगी तो कौन इसका ज़िम्मेदार होगा। लेकिन इसका असमंद यासिर जवाब ना दे सका। अब ये वो बहुत बड़ा स्कैमर है कि जो इस्लामाबाद जैसे शहर में बैठ के लोगों को, जो दूर दराज के इलाके हैं उनको, असमंद यासिर ये कहता है जी हमारा तो बहुत हाई फाई ऑफिस है, बहरिया टाउन फेज 7 में हमने दफ्तर रखा हुआ है, हमारे दफ्तर में वर्कर्स हैं, तरह तरह के सुहाने ख्वाब दिखाता है। तो उनको इसी तरह सरमायाकारी के नाम पर मजबूर करता है, शीशे में उतार कर ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें और इनकी अपनी जो आमदनी है वो चलती रहे। लेकिन अब असफंद यासिर के ऊपर जो ECW है उसके ऊपर भी हम मेरी SECP हुकाम से बात हुई है, उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं आपको प्रोग्राम में बता दूंगा कि उनका क्या कहना है कि ये भी एक स्कैमर है, इनके पास भी कोई लाइसेंस नहीं है, सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये का एक लाइसेंस लेते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, लोगों से फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। अब जो ECW या CYT के जो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि वो असफंद यासिर के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त ज़रूर दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कसूर उन लीडर्स का होता है, उन नेटवर्कर्स का होता है जो लोगों को बरगलाते हैं। आज नाजरीन एक और आपको बात बताऊँ कि जो यूट्यूबर्स हायर किए हुए हैं सैफुररहमान ख़ान न्याजी में, उसमें जो इशाल TV वाले हैं, मैं तो नाम लूँगा, उन्होंने कहा जी बका की जंग लड़ रहे हैं, टोटली टोपी ड्रामा है, क्योंकि वो उनके साथ उनकी अहलिया है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन खुदा रहा आप गरीब इमरान को, उनको इतना मजबूर तो मत करें, ऑलरेडी जो रकम उन्होंने दी थी, जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो ही वापस कर दें तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन आप लोगों को मज़ीद तरगीब दे रहे हैं, तो मेरे उन तमाम B4U के मेम्बरान जो मुतासरा लोग हैं उनसे मैं ये भी कहूँगा कि जो यूट्यूबर्स आपको मोटिवेट करते थे, आप उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम सेल में दरख्वास्त दे सकते हैं। FIA साइबर क्राइम सेल हर इलाके में बना हुआ है, यानी कि पिंडी का अलहदा से, इस्लामाबाद का अलहदा है, चकवाल का अलहदा है, तमाम जो अजला हैं वहाँ पे साइबर क्राइम सेल के दफ्तर हैं, आप उनमें एप्लीकेशन दे सकते हैं इन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ जो आपको मोटिवेट करते हैं। ज़ाहिर बात है चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। जिस तरह ये B4U स्कैम कर रही है, आप देख लें विड्रॉल कहाँ पर हैं, मार्च से बंद हुए और आज सेप्टेम्बर आ गया है। सैफुररहमान ख़ान न्याजी को 16 सितंबर को दोबारा नैब ने तलब किया है, नैब हुकाम ये कहते हैं कि किसी भी सवाल का सैफुररहमान ख़ान न्याजी जवाब नहीं दे सका। अलबत्ता इसने कहा जी प्ली बारगेन करने के लिए सैफुररहमान ख़ान न्याजी तैयार है, और जो रकम ली जा रही है, जो अकाउंट एक्टिवेशन फीस है, बेसिकली आपके उन पैसों से वो अपने आप को बचाएगा और वो प्ली बारगेन करेगा। एक और जो दरख्वास्त आज ठोकर न्याज बेग नैब में जो दरख्वास्त दायर की गई है, उस दरख्वास्त में सैफुररहमान ख़ान न्याजी जो CEO है B4U SR ग्लोबल का, इसके अलावा मलिक नवीद, शहजाद राहत, शेख शामी, राजा रियाज, डॉक्टर मोहम्मद असगर, इरफान अफरीदी, फजल करीम, मलिक रिजवान और SRG में दीगर तमाम कोहिनूर हासिल करने वाले जो सैफुररहमान ख़ान की जानिब से मासूम लोगों को गुमराह करते थे, ये वो दरख्वास्त गुजार है, आप दरख्वास्त देख भी सकते हैं। इसमें वो मज़ीद ये भी कहता है कि जी सैफुररहमान ख़ान न्याजी ने एक फतवा लिया, वो भी अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है और कहा जा रहा है हलाल आपको मुनाफा देंगे, लेकिन टोटली टोपी ड्रामा है। और उसने जो बैंक अकाउंट है दुबई इस्लामी बैंक का नाम लिखा है, टाइटल ऑफ अकाउंट AAS वरियास ट्रेडर्स, अकाउंट नंबर और डिपॉजिट स्लिप भी लगाई है। और उसका ये कहना है कि मैंने 2 मार्च को 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला। ये भी दीगर कई दरख्वास्तें आहिस्ता आहिस्ता मैं वो भी आवाम के सामने लाऊँगा। लेकिन एक जो मैंने आपको CYT का स्कैमर था असफंद यासिर, उससे मैं फिर ये प्रोग्राम में तमाम लोगों को, आवाम को आगाह कर रहा हूँ कि इन स्कैमर से बचें। B4U की जो सूरत हाल है आपके सामने है, इन जो विड्रॉल तो नहीं दिए जा रहे, अलबत्ता एक्टिवेशन फ़ीस की चार्जेस दिए जा रहे हैं ताकि मेम्बरान को मज़ीद गंदा किया जाए, उनको गुमराह किया जाए और उनकी जमा पूंजी से खेला जाए, अयाशी मारी जाए और प्ली बारगेन की जाए ताकि गिरफ्तारी के से बचा जा सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।